नमस्कार, मैं उषा साहू और आप देख रहे हैं एएफसी टुडे न्यूज़। आज लॉकडाउन का 10वां दिन है। बीते पिछले दिन हुई घटनाओं के चलते मौलाना खालिद रशीद ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाली शबे बारात में लोग इबादत अपने घरों से करें, ना सड़कों पर निकले, ना ही भीड़ इकट्ठा करें, कब्रिस्तान पर ना जाए और ना ही आतिशबाजी करें। और साथ ही साथ उन्होंने इंदौर और गाजियाबाद की हुई घटनाओं की निंदा करते हुए एक मैसेज जारी किया है। आइए नजर डालते हैं उस मैसेज पर। गाजियाबाद और इंदौर में जो कोरोना वायरस के सिलसिले में जिन लोगों का इलाज चल रहा है या वहाँ पे जो लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की टीम स्टाफ पे इलाज कराने गई थी, उन पर जिस तरीके से इंदौर में हमला किया गया या गाजियाबाद में जो बदसलूकी हुई है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी हो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें उन लोगों के साथ जाहिर सी बात है कोई नहीं खड़ा होगा। और मेरी सबसे यही अपील है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस है या जो सफाई मुलाजमीन हैं, सब लोग अपनी जानों पर खेल करके हमारे और आपकी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हम लोग घरों में रहें और ये लोग सड़कों पे निकल के हॉस्पिटल्स में जा करके लोगों का इलाज और लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों का पूरी तरीके से अदब और लिहाज करें और जो भी डायरेक्शन ये लोग दे रहे हैं उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। हमारे जहनों में ये बात रहनी चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो डॉक्टर्स ये अजीम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ये जो बातें भी कहें उस पर सब लोग हर बाहर अमल करें। दिल्ली के तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में गए लोग आज देश के अलग अलग कोने में हैं, जिनको ढूंढ कर आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ के सदर कसाईबाड़ा इलाका आज पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ 12 जमाती लोग थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित हो चुका है। उस रास्ते से आओ, वापस जाओ। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पे स्पेशल रिपोर्ट। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत नगर निगम ने डालीबाग के मलिन बस्तियों का सर्वे किया और उनका अकाउंट नंबर जारी किया, और उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत उनके अकाउंट में धनराशि डाली जाएगी। नगर निगम द्वारा जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 1000 रुपये मलिन बस्ती और जो झुग्गी झुपड़ियों वालों को जो है जाने हैं, इसके लिए इनका सर्वे चल रहा है। इन सभी का जो अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल्स ली जा रही है, जिससे जो है इनको जो है 1000 रुपये की जो है आर्थिक जो है मदद दी जा सके। हम पहले काम करते थे, अभी 4-5 महीना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख लिया गया है, क्या उम्मीदें आपको सरकार से? उम्मीद है तभी तो लिख दिया, अगर मिल जाए तो सही है। ये बस्ती में रहते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, ये अकाउंट नंबर ले रहे, गरीब लोगों के 1000 रुपये अकाउंट में आएगा। ये बहुत मुश्किल है, इस समय काम भी नहीं मिल रहा है, जिनको मिला हुआ है वही कर रहे बार बार। सुना है कि सरकार की तरफ से कोई मतलब सुविधा दे रहा है, पैसे की आर्थिक मदद होगी, उसी हिसाब से आया अकाउंट नंबर मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड करा रहा है। वहीं लखनऊ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राजाजीपुरम में सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया। आज नगर निगम के द्वारा हमारे इस थड़ी जो कि ये घनी आबादी है, जहाँ पे वीकर सेक्शन के लोग ज़्यादा रहते हैं, गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम ने यहाँ पे फॉगिंग कराई है, सैनिटाइज कराया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, सारी गलियों में जहाँ तक पाइप हमारा पहुँच पा रहा है वहाँ बड़ी गाड़ी के द्वारा सैनिटाइज हो रहा है। हम सभी जनता से उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें,
आपके जनप्रतिनिधि सारे लगे हुए हैं, समाज सेवी सब लगे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करके घर में रहें, ताकि इस कोरोना जो महामारी है इसको हम लोग दूर कर सकें, जिसका केवल लॉकडाउन का पालन करके ही हम इसको दूर कर सकते हैं। सभी से मेरा यही अनुरोध है। मैं शिवपाल सांवरिया, पार्षद कुंवर ज्योति प्रसाद बाग। वहीं लखनऊ के रहीम नगर चौराहे पर खाना वितरण किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखा। उसी के साथ साथ सीतापुर रोड मड़ियाव चौराहे पर भी खाना वितरण किया गया, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में नहीं रखा। ये तो थी लखनऊ की खबरें। आइए चलते हैं कानपुर, जहां पर हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला मौजूद है। देखते हैं कि कानपुर की स्थिति क्या है। कानपुर नगर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बाद भी शराब माफिया हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर नगर में लगातार ऐसे मामले सामने आए, इसमें लोग शराब बिक्री करते हुए पकड़े जा रहे हैं। ताज़ा मामला आज एक बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एसओजी ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को शराब के साथ पकड़ा है। वहीं दूसरा एक वीडियो कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब माफिया अपनी शराब की दुकान खोलता है और अपनी लग्जरी कार में कई पेटी शराब लेकर कहीं बेचने के लिए जा रहा होता है। देखने वाली बात ये होगी कि सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद जिला अधिकारी और प्रशासन उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। धन्यवाद निखिल। जाते जाते आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल रविवार के दिन रात के 9:09 तक अपने घरों की लाइट्स बंद करके दिए, टॉर्च, मोमबत्ती जलाकर आप सभी लोग उन लोगों का अभिवादन करें जो कि कोरोना वायरस से इस जंग में लड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े और इस मुहिम में उनका साथ दें। आप सभी लोग अपनी फोटो और वीडियो हम तक शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो और फोटो अपने चैनल में दिखाएंगे। अभी की खबरों में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए देखते रहें AFC Today News।